पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंचायत भवन में बजट पर चर्चा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को दूसरी लाइन में कुर्सी लगाने को लेकर निवर्तमान मेयर विनोद अग्रवाल और महानगर महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को महामंत्री ने कार्यालय पर बैठक बुलाई। मामला इतना बढ़ गया कि विवाद संघ के पदाधिकारियों तक पहुंच गया। महामंत्री ने विनोद अग्रवाल पर गला पकड़ने का आरोप लगाया है। वहीं विनोद अग्रवाल ने इसे हंसी मजाक बताया। भाजपा महानगर की ओर से बजट पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार दोपहर पंचायत भवन में प्रबुद्ध जनों की गोष्ठी आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर थे। कार्यक्रम में किसी ने निवर्तमान मेयर विनोद अग्रवाल की कुर्सी दूसरी लाइन में लगा दी थी। मंच पर पहुंचे विनोद अग्रवाल कुर्सी पीछे देखकर भड़क गए। उन्होंने पदाधिकारियों को फटकार लगा दी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाजपा महानगर के महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा से भी नोकझोंक हुई। वहीं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शाम को वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री को छोड़ने के लिए महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा, विधायक रितेश गुप्ता और विनोद अग्रवाल रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां मंत्री के सामने ही विनोद अग्रवाल और श्याम बिहारी शर्मा के बीच फिर से बहस हो गई। महामंत्री का आरोप है कि विनोद अग्रवाल रेलवे स्टेशन पर उनके साथ गाली गलौज करने लगे। कहा सुनी सुनकर मंत्री ने विधायक रितेश गुप्ता को दोनों को हटाने के लिए इशारा किया। बाद में विधायक ने दोनों को समझाकर वहां से हटा दिया। महामंत्री का आरोप है कि गुस्साए विनोद अग्रवाल ने उनका गला पकड़ लिया था। पार्टी के लोगों ने बीच बचाव किया। बृहस्पतिवार को हुआ ये विवाद शुक्रवार को भी गरमाया रहा। दोनों के बीच का विवाद पार्टी कार्यालय से संघ के पदाधिकारियों तक पहुँच गया है, जहाँ दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।